हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और आ चुका हूँ एक और नए एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। आज के एपिसोड पे इंस्टाग्राम पर जो वायरल चल रहे रील सॉन्ग के ऊपर बीट्स एंड स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस टाइप बीट्स एंड स्टेटस क्रिएट करने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। पर वीडियो देखने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर कोई भी न्यू पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हो। लाइक और डिसलाइक पे से बटन जरूर से दबा कर जाए। नीचे कमेंट करने का मन हो तो कमेंट भी कर सकते हो। आप लोगों को पहले प्रयोग दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। आज का प्रयोग कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। तो गाइस, इस टाइप बीट्स एंड स्टेटस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली अलाइट मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इस वीडियो पे जो जो मटेरियल यूज़ किया गया है, सॉन्ग बीट मैप जेट शिक फिल्टरसेट HD मॉडल में स्पॉटी का लोडो आप लोगों को विदाउट पासवर्ड के मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को ऑल मटेरियल्स डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको मेरे वेबसाइट से आप लोगों को सॉन्ग बीट मैप जेट शिक फिल्टरसेट अपनी अलाइट मशीन में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद पहले आप लोगों को सॉन्ग बीट मैप जेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सॉन्ग बीट मैप जेट पर मैं ऑलरेडी बीट मार्क कर चुका हूँ। अब आपको स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्लस से कम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो पर क्लिक करके आप किस तरह से अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को आप लोग सिंपली सेलेक्ट करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद थ्री डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करना है। यहाँ से आप लोग मॉडल इमेज एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो मून ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करके मॉडल इमेज को स्टेप एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके स्टेप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसके बाद में बैक करना है। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के सबसे एडजस्ट कर लेना है। सो मैं जल्दी से सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के सबसे एडजस्ट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के सबसे एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के सबसे एडजस्ट कर लेना है। अब आपको गाइस नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद गाइस आप लोगों को इफेक्ट अप्लाई करते टाइम आसानी, इसलिए मैंने इफेक्ट वन, इफेक्ट टू, इफेक्ट थ्री लेयर लेके ऐड कर चुका हूँ। इससे आप लोग इजीली इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब आपको इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शिक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। आप लोगों को मैं वेबसाइट पर जो शिक इफेक्ट प्रीसेट प्रोवाइड किया था, शिक इफेक्ट प्रीसेट अपनी अलाइट मशीन में इंपोर्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में थ्री रेस ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सॉन्ग बीट मैप जेट ओपन करना है। सॉन्ग बीट मैप जेट ओपन करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद इस सॉन्ग बीट मैप जेट पर आप लोगों को देखने इफेक्ट वन लेयर का है, सारी जगह आप लोगों को फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट लेयर देखने मिलेगा। सिंपल इस मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में बैक करना है। यहाँ पर आप लोगों को फिर से थोड़ा सा आगे आना। थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को इफेक्ट वन लेयर देखने मिलेगा। अब आपको फिर से इस मॉडल इमेज पर क्लिक करके इफेक्ट अप्लाई करना है। आप लोगों को इसी टाइप इस सॉन्ग बीट मैप जेट पर इफेक्ट वन लेयर का है, सारे जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेना है। गाइज, मैंने इस सॉन्ग बीट मैप जेट पर इफेक्ट वन लेयर कहा था, हम सारे जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप फर्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में सेकंड इफेक्ट कॉपी करने के लिए आप लोगों को फिर से बैक करना है। बैक करने के बाद शिक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शिक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेकंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सॉन्ग बीट मैप जेट ओपन करना है। सॉन्ग बीट मैप जेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको इस सॉन्ग बीट मैप जेट पर देखना है इफेक्ट टू लेयर आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, उन सारी जगह आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट टू लेयर देखने मिलेगा। अब आपको इस मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डी ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस, आप लोगों को इसी टाइप इस सॉन्ग बीट मैप जेट पर इफेक्ट टू लेयर का है, सारी जगह आप लोगों को सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है।
गाइज मैंने सम बीट में प्रोजेक्ट पर एफेक्ट और लेयर कहा था उन सारे जगह सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सेकंड इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में अब आपको थर्ड इफेक्ट कॉपी करने के लिए सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद शेक इफेक्ट प्रेसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रेसेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थर्ड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके 3D ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद सम बीट में प्रोजेक्ट ओपन करना है। सम बीट में प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद अब आपको फिर से नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको इस सम बीट में प्रोजेक्ट पर देखने इफेक्ट थ्री लेयर का आप लोगों को किस जगह देखने मिलेगा उन सारी जगह आप लोगों को ये थर्ड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। इसे कुछ मैं जल्दी से इस सम बीट में प्रोजेक्ट पर इफेक्ट थ्री का उन सारी जगह थर्ड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। गाइज मैंने सम बीट में प्रोजेक्ट पर इफेक्ट थ्री लेयर कहा था उन सारे जगह थर्ड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करना है। ये गाइज आप देख सकते हो वीडियो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इतने स्टेप करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होकर बन जाएगा। अब आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो पे इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे। तब तक टेक केयर एंड बाय।